केरल में कई दिनों तक प्रतिदिन कोरोना वायरस संक्रमण के 30,000 या उससे ज्यादा मामले सामने आने के बाद गत सप्ताह से नए मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। केरल सरकार की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार मंगलवार को 25,772 नए मामले सामने आए हैं तथा 189 और मरीजों की मौत हो गई है। राज्य में अब तक संक्रमण के कुल 42,53,298 मामले सामने आ चुके हैं और मृतकों की संख्या 21,820 पर पहुंच गई है। मंगलवार को केरल में संक्रमण की दर घटकर 15.87 रह गई है। अभी 2,37,045 मरीज उपचाराधीन हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि राज्य में रात के कर्फ्यू और रविवार के लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने शाम में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रविवार के लॉकडाउन और रात के कर्फ्यू को वापस लेने का फैसला कोविड समीक्षा बैठक के दौरान किया गया था। ओणम त्यौहार के बाद कोविड के दैनिक मामलों के 30,000 से अधिक हो जाने के बाद सरकार ने इस पर काबू के लिए सोमवार से शनिवार तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया था। वहीं दक्षिण केरल में पथनमथिट्टा जिले में थिरुवल्ला में सत्तारूढ़ माकपा के कार्यकर्ताओं के एक समूह ने कथित रूप से कोविड 19 संबंधी लॉकडाउन पाबंदियों का उल्लंघन कर विवाद खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उनमें से 50 के खिलाफ मामला दर्ज किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा की एक स्थानीय इकाई ने लगभग 100 लोगों को सदस्यता देने के लिए रविवार को कथित रूप से एक बैठक आयोजित की थी। इसके बाद टीवी चैनल पर कार्यक्रम की तस्वीरें प्रसारित हुईं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।